आपने सुना होगा कि तनाव जानलेवा होता है। कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करते हैं और इस सूजन से बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। अपनी बॉडी में सूजन को कम करके हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारे जीवन में जब कोई भी घटना घटती है तब वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है और तनावपूर्ण घटना घटने से हमारे दिमाग को झटका लगता है, जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रेस सिग्नल यानी संकट का संकेत मिलता है, जिससे वो हमारी बॉडी के एंडोक्रीन सिस्टम को एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ाने के लिए कहता है। इस वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगर हम किसी जानवर के दिमाग की बात करें तो जब कोई चूहा किसी बिल्ली को देखता है तब उसके दिमाग में तनाव होने लगता है, क्योंकि उसे वहां से भागने का फैसला करना होता है। और जैसे ही चूहा भागकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है तब उसके दिमाग का तनाव पूरी तरह से गायब हो जाता है और चूहा इस बारे में नहीं सोचता कि बिल्ली उसके बारे में क्या सोच रही होगी, वो कैसा महसूस कर रही होगी या इस वक्त क्या कर रही होगी। और ऐसा केवल इंसान ही करते हैं। एक मनुष्य जब किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है तब तुरंत उस स्थिति के बारे में सोचने लगता है और अपने दिमाग में बिलीफ सिस्टम यानी मान्यता बनाकर उसे रिकॉर्ड करने लगता है। आपके दिमाग में तनाव आना गलत बात नहीं है, लेकिन उस तनाव के साथ हमेशा जुड़े रहना और उसके बारे में सोचते रहना गलत है। इस तरह की ढेर सारी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में बनने की वजह से ढेर सारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टडी है जिसे कहते हैं साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, और इसे ठीक करने की प्रक्रिया को कहते हैं हिप्नोथेरेपी या रिग्रेशन थेरेपी। डेना कहती है, इस प्रक्रिया में मैं अपने मरीज को विजुअलाइजेशन की मदद से उस तनावपूर्ण घटना में लेकर जाती हूँ जब पहली बार उसने इसे महसूस किया था। तो इसमें होता ये है कि मान लीजिए मेरा मरीज जब केवल 2 साल का था तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसके माता पिता बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे और इसका जिम्मेदार वो खुद को समझता था। तब इस विजुअलाइजेशन के बीच मैं उनसे सवाल पूछना शुरू करती हूँ कि जब तुम 2 साल के थे तब तुम कैसा महसूस करना चाहते थे, और वो कहता है कि 2 साल की उम्र में मैं एक प्यारे बच्चे की तरह महसूस करना चाहता था जो बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहा है। तो इस वक्त जब वो मरीज विजुलाइज करने लगता है जैसा उसे 2 साल की उम्र के वक्त महसूस करना चाहिए था, तब उसके शरीर में उपचार होने लगता है। आप अपने पास्ट की किसी भी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, इसके बजाय आप अपने मन की धारणा यानी माइंड के परसेप्शन और उन भारी भावनाओं के भार को बदल सकते हैं जो आपके दिमाग में एक याद यानी मेमोरी की तरह बैठी हुई थी। फिर इस मेमोरी को ठीक करके हम इसी तरह से कई मेमोरीज को सही तरीके से याद करके ठीक कर सकते हैं। तो इस वक्त वास्तव में हमारे दिमाग में क्या हो रहा है? इस स्थिति में आप अपने अवचेतन मन को उन सभी सिचुएशंस का सामना करने की अनुमति दे रहे हैं जिसका सामना आपके पास्ट में कभी नहीं हुआ था। ये आपके दिमाग में रिकॉर्ड किए गए स्ट्रेस को कम करता है जिसे आप आज तक ढोते आए थे। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड हील होता है यानी उसका उपचार होता है, तब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने के काबिल बनता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में डिस्ट्रेस सिग्नल यानी संकट के संकेत नहीं जाते और आपका फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स यानी लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया जागरूक नहीं होती है। आपका मन और शरीर इतना लचीला है कि आप खुद को ठीक करने की सहज क्षमता रखते हैं, और आपको सबसे अच्छा महसूस कराने में मदद करने के लिए आपके जीवन में सारे संसाधन उपलब्ध हैं। और यदि आप अपने मन को ठीक कर सकते हैं तो आप अपनी बीमारी को और अपने जीवन को भी ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।